महंगाई बढ़ने से घर का बजट भी बिगड़ गया है और घर का बजट बिगड़ने से गृहणियों की टेंशन भी बढ़ गई है। एक घर में हम मौजूद हैं कानपुर में, जहां पर किचन में ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट के समय आलू कट रही है, टमाटर है, प्याज है, भुना जा रहा है, चाय भी बन रही है, लेकिन नींबू यहाँ से नदारद है। बहुत सारी चीज़ें नदारद हैं क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बात कर लेते हैं जो गृहणियाँ मौजूद हैं, महंगाई ने बजट को बिगाड़ा है। जी, महंगाई ने बिल्कुल बजट को बिगाड़ा है। नींबू जहाँ पहले 10 से 5 मिलते थे, अब 10 रुपये का एक मिलता है। अब वैसे अगर न्यूक्लियर फैमिली हो तो फिर भी चल जाता है, हमारी चूंकि ज्वाइंट फैमिली है और हमें एक बार शिकंजी बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 नींबू चाहिए होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ना ही उसको बनाना पड़े, बच्चों की फरमाइश पर ही उनके लिए ही बनाते हैं। बच्चे जब मांगते हैं तो देते हैं आप लोग? बच्चे जब मांगते हैं तो वैसे तो उन्हें और चीज़ों से बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नहीं मांगते तो सिर्फ बच्चों को ही देते हैं हम लोग, और सबके लिए नहीं बना पाते हैं। कटौती कहाँ कहाँ कर ली आप लोगों ने बजट में? कटौती हम लोगों ने बजट में ये की, जैसे कि पहले हम लोग सब्जियां बहुत ज़्यादा लाते थे, 1-1 किलो लाते थे, अब हम उसकी जगह आधा आधा किलो लेकर आते हैं। और जैसे कि हम लोग राशन है, आटे में महंगाई एकदम से 2 रुपये बढ़ गई है। हमारे यहाँ 2 रुपये गेहूँ पहले 25 रुपये था और जो कि अब 27 रुपये में हो गया है, तो ये भी हमारे लिए कि कम से कम इंसान रोटी तो खाएगा ही, तो यही है कि कम से कम इन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको तो ना बढ़ाया जाए, जिससे कि आम आदमी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। महंगाई जब बढ़ती है तो निम्न वर्ग पर भी फर्क पड़ता है और उच्च वर्ग पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो मध्यम वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उसे अपना स्टेटस को भी मेंटेन करना होता है। आप बताइए, क्या भूंज रही हैं और क्या महंगाई दिक्कत कर रही है या सब ठीक चल रहा है? नहीं, महंगाई तो सब बहुत दिक्कत कर रही है। अब हर चीज़ में हम लोग को अपना मन मारना पड़ता है, चीज़ें बनाते ज़रूर हैं लेकिन क्योंकि बच्चों की फरमाइशें हैं, अपनी ज़रूरतें तो इंसान फिर भी कम कर सकता है लेकिन बच्चों को तो खिलाएगा पिलाएगा ना, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है उनको बहलाने के लिए, तो कभी कुछ इस तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सब्ज़ियाँ इतनी महंगी है, नींबू इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, दूध भी महंगा होता जा रहा है, CNG पेट्रोल सब कुछ से महंगा हो रहा है, लेकिन ज़रूरतें तो पूरी करनी है तो मैनेज कर रहे हैं हम लोग किसी तरह। माता जी भी घर में बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी, आप बताइए कि महंगाई है वाकई में या बजट बिगाड़ रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल पैसे बढ़े उसकी वजह सारी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं, इसको संभालना मुश्किल है। सरकार को करना चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए कि मतलब कैसे क्या जीवन यापन कैसे हो, सरकार को सोचना चाहिए। और घर में घर का बजट बिगड़ा हुआ है, गृहणियाँ एक एक चीज़ गिरा रही हैं, आटे का दाम बढ़ गया, दाल का तेल का दाम बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल के चलते खासतौर से मालभाड़ा बढ़ता है तो सब्जियों के दाम बढ़ गए, बच्चों को स्कूल वैन ले जाने वाले उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, फीस वृद्धि स्कूल की होने जा रही है, यानी सब तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद महंगाई का ये बहुत बड़ा अटैक लोगों पर पड़ रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।